हेलो गाइस, वेलकम। ना तो बहुत ही बेहाल कर सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, गर्मी ने तो बहुत ही बेहाल करके रखा हुआ है और मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि मैंने क्या किया हूँ देख लीजिए। देखिए फ्रेंड, एक ऊपर ही पंखा चल रहा है और एक छोटा सा पंखा चला रहा हूँ, जिससे छोटा पंखा से हवा जो मुझे मिल रही बहुत ही मस्त मिल रही छोटा पंखा का। तो टेबल फैन अगर इस तरह का भी लगाना है तो लगा सकते हैं, बट हमारे पास जो है बहुत ही गर्मी से बेहाल है हमारा दुकान में, और बहुत से लोगों का पंखा हमारे पास ख़राब होकर आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पंखे के लाइन ही लगी हुई है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टेबल फैन बनाने सिखाऊंगा, और यहाँ पे हमारा पीसी पे जो है वीडियो एडिटिंग चल रही है, जो कि आपके लिए वीडियो बन रही है, और एक छोटा सा पंखा देख लीजिए। और चलिए फ्रेंड, आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एचसीसी का सबसे छोटा वाला फैन को रिपेयर करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ये जो हमारा छोटा फैन एचसीसी का है, ये फैन आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, बट इसका जो देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा फ्रेंड, नहीं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व इजीली नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी जो भी सामान है आपको हम ऑनलाइन अवेलेबल करा देंगे, मैं आपको भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नंबर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, 7979098936। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इसकी जो एक मटेरियल जो सामान है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, वो सामान अगर मार्केट में नहीं मिल रहा, जल्दी से मिलती नहीं है, अगर नहीं मिल रहा तो मैं आपको पार्सल करवा सकता हूँ कुरियर के थ्रू। कुरियर चार्ज भी बहुत ही कम प्राइस में आपको मैं करवा दूंगा, 60-70 रुपये के अंदर कुरियर चार्ज आपका पड़ेगा फ्रेंड। आपका जो सॉफ्ट जो मेरा मटेरियल है वो आपका जो प्राइस होगा वो प्राइस मैं आपको व्हाट्सएप के साथ बता दूंगा, कभी अप डाउन प्राइस होती रहती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस पंखा को खोल लेते हैं और इस पंखा में क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस पंखा में जो प्रॉब्लम है, घूमने से आवाज़ करती है, घूम तो रही है, कोयल में कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, बट यहाँ पे आवाज़ कर रही है और अलग टाइप का, कभी कभी घूम नहीं रही है, होमिंग हो रही है, कभी कभी होमिंग टाइप का आवाज़ आ रही है। तो आपका पंखा में होमिंग आ रही है, आवाज़ आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में बताएंगे। होमिंग का प्रॉब्लम बहुत सारा कारण से आता है फ्रेंड, कोयल ख़राब होने से भी, बट कोयल ख़राब नहीं होने के बाद भी होमिंग आती है, कभी हाथ से घुमा देने से घूम जा रही है फ्रेंड, बाकी फिर पंखा से रुक जा रही है, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और आवाज़ ही बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का जी इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो प्लीज़ फ्रेंड, जो इस चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, से इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेगी फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे इस रोटर को निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक रोटर में आगे पे एक पिन लगी हुई, इस पिन को निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं साफ्ट की हालत कैसी हो गई है फैन के अंदर, या कोई हालत कर दी है या फैन के अंदर हो गई है। विश्वास करने वाले लायक तो नहीं है, बट जो हो गया है हो गया है। मैं यहाँ पर न्यू सामान इंस्टॉल करूँगा। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे काठी की मदद से इस पिन को निकाल लेंगे। यहाँ पे बूस भी लगी हुई है, इस बूस को खोल लेंगे और बूस को चेंज करेंगे, और यहाँ पे बूस के साथ साथ कुछ कुछ मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। अगर पंखा आप सर्विसिंग करते हैं तो इन सारे चीज को ध्यान में रखेंगे, तभी जाके आपका जो पंखा सर्विसिंग करने के बाद सालों भर टिकेगी, और नहीं तो आपका साल भर भी नहीं चलती है फ्रेंड। तो ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। मैं भी एक साल दो साल पहले एक वीडियो डाला जिसमें मैंने सिर्फ सर्विसिंग करके दिखाया, बट वो एक महीने के बाद ही ख़राब हो जाती है, बट वो वीडियो हमारा चल रहा है, बट वो वीडियो से एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट वाली है। लेकिन किसी किसी का देखो साल भर टिक जाएगी, प्रॉब्लम ज़्यादा सामान का नहीं होगी तो, लेकिन वो भी वीडियो बहुत ही मस्त है और लोग देख रहे हैं, बट उस वीडियो से ज़्यादा कारगर हमारा ये वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको सारा डिटेल और सारा चीज़ बता रहा हूँ, जो कि एक रूई टाइप का दिख रहा है और यहाँ पे बूस दिख रहा है, ये दोनों के बीच में एक मोबिल का संबंध है, जो कि मैं आपको वीडियो में करके दिखाऊंगा फ्रेंड। चलिए बूस को मिलाते हैं यहाँ पे इस साफ्ट के अंदर में, कहीं बूस और साफ्ट में ढक तो नहीं है ज़्यादा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ज़्यादा। तो ऐसा तो आगे में प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आया फ्रेंड मुझे, आगे तरफ मैं तो चला सकता हूँ साफ्ट को, बट बूस लगा देना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है फ्रेंड, पीछे की तरफ साफ्ट देखें तो हमारा पीछे की साफ्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। देखिए यहाँ पे इस वाली बूस को भी खोल लेते हैं फ्रेंड, और इस वाली बूस को भी चेक करेंगे। तो बूस को चला सकते थे फ्रेंड, लेकिन चलाना मुश्किल है, क्योंकि अगर बूस पुराना हो जाती है तो उसमें एक अलग टाइप का स्क्रैच आ जाती फ्रेंड, जिस कारण से बूस जाम हो जाती है।
कितना भी उसमें मोबाइल और कितना भी कुछ लगा लेंगे और बूस आपका कुछ दिन में जाम कर देगी फ्रेंड। इन बातों का आप गौर में रखिएगा, बूस का कोई ज़्यादा दाम नहीं है। आप बूस जब भी हो चेंज करते हैं 10 रुपये के अंदर या 20 रुपये के अंदर बूस आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इतना ज़्यादा ढक है कि ये साफ्ट बहुत ही ज़्यादा किया गया, मतलब विश्वास करने वाले लाइक नहीं है। बट मैंने मार्केट में गया इस साफ्ट को खोजने, तो इजीली लोकल मार्केट में मिलना मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा खोजने के बाद मुझे एक शॉप पे, होलसेलिंग वाले दुकान में एक शॉप पे मुझे ये साफ्ट मिला है। तो आपको ये साफ्ट आपको चाहिए SCC का सेम साफ्ट, तो आपको मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ फ्रेंड, क्योंकि मुझे मिल चुका, तो मैं आपका सहायता करना चाहता हूँ। और आप जो इसको लेथ मशीन में बनाने से अच्छा है कि मैं आपको उससे कम प्राइस में ही आपको भेज दूँ, तो आपको फ़ायदा है या नहीं है तो वो चीज़ का गौर कर लीजिएगा। लेथ मशीन से बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। बाकी तो 60-70 रुपये जो डिलीवरी चार्ज है वो तो आपको लगेगा, आप 10 पीस मंगा लीजिए, आपका प्रॉफिट हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, जो सामान ख़राब था वो चीज़ मैं आपको दिखा दिया। और यहाँ पर चलिए फ्रेंड, पहले यहाँ पे एक नया बूस लगा लेंगे और इस रुई, एक तो रुई लगाएंगे यहाँ पर, जो रुई थी पहले ब्लैक हो गई थी, इस रुई में पूरा मोबिल भर देंगे। आपका जो है न्यू मोबिल जो 10 रुपये करके आपको बाइक वाली शॉप पे मिल जाएगी फ्रेंड। 10 रुपये में जो मोबिल मिल जाए वो मोबिल को इसमें लगाना, पूरा पतली मोबिल रहती है, गाढ़े वाले मोबिल इसमें नहीं लगानी फ्रेंड। तो ये मोबिल जो है बहुत ही मस्त क्वालिटी का मोबिल है, जिसके कारण से यहाँ पर पंखा का जो लाइफ है आपका बढ़ जाएगी। तो चलिए इसमें मोबिल मैंने भर लिया हूँ और इसको लगा देते हैं। गाड़ी वाले मोबिल आपका चलने वाले नहीं है पंखा में बहुत ही पतली मोबिल चाहिए। जितना पतला आप लगा सकते हैं फ्रेंड उतनी ज़्यादा लास्टिंग आपका करेगी, लेकिन जितना पतला मोबिल उतनी ही ज़्यादा कॉस्टली होती है फ्रेंड। तो आप 10 रुपये वाला मोबिल भी बहुत ही कारगर है, 10 रुपये वाला मोबिल आप खरीद लें मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है। गैरेज में आपका जो बाइक वाली गैरेज है वहाँ पर मिल जाएगा फ्रेंड। तो 10 रुपये वाला मोबिल भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता नहीं फ्रेंड, हम लोग का तो लगभग 10-15 पंखा से ऊपर ही आप रिपेयर कर पाओगे फ्रेंड। तो चलिए हमारा पास ये बूस लगा लिया फ्रेंड, और चलिए दोनों का दोनों बूस लगा लेते हैं। और सिंपल सा इजली है, और इस पंखा में उतना कोई दिक्कत वाली नहीं है फ्रेंड। और SCC का पंखा बहुत ही इजली आप खोल भी सकते हो और सेट भी कर सकते हो। कोई कोई चाइना वाला पंखा में प्रॉब्लम होती है कि सेटअप जल्दी से होती नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, फिर भी मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे बूस लगा दिया हूँ। और फ्रेंड अगर बूस अगर उल्टा गलती बैठा दे तो दिक्कत हो सकता है आपको, तो बूस आप जिस तरह से खोले हैं सेम उसी तरह से बैठाएं, जैसे कि मैंने इस तरह से अभी बैठा के देख रहा हूँ, बट इस तरह से भी नहीं बैठेगा जिस तरह से मैंने पहले बैठाया, कुछ इसी तरीके से ये बैठेगा। तो ये प्रॉब्लम आप ना करें, गलत बैठ जाएगा तो आपका जो रोटर है, रोटर बैठने में प्रॉब्लम होगा, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, उतना भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता बट प्रॉब्लम होता है फ्रेंड। तो चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ, और ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे जो चीज़ खोले उसको उसी तरीके से लगा के रखें, तो आपका जो इजीली प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व आप कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ। और फ्रेंड जो इस चैनल पे न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और फ्रेंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं, किसी भी रिलेटेड बात में मैं आपको रात को या दिन में कभी भी रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा फ्रेंड, जब टाइम मुझे मिल जाए व्हाट्सअप में। तो किसी से भी रिलेटेड आपको बात है और प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी सामान से रिलेटेड और कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी बात हो, जैसे कि कुछ भी रिलेटेड सामान या कुछ भी बात हो आप कर सकते हैं, जहाँ तक होगा मैं आपका सहायता करने का कोशिश करूँगा फ्रेंड। हो सकता है कि कुछ आपको चार्ज देना पड़े, आपका जो खुशी हो आप दे दीजिएगा, ऐसा कुछ मेरा ये नहीं है। तो मैं आपके लिए टाइम दूंगा, तो उस टाइम के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, आपका काम बन जाए तो आपका खुशी, मैं आपका कोई जोर नहीं दूंगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं कि आपका काम बन गया, तो हमारा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, फ़ोनपे, सब उसी में 7979098936, सब उसी का जो नंबर हम दे दिया हूँ। अगर आपका काम बन जाता है तो कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट कर सकते हैं फ्रेंड,
मैं भी कोई ज़्यादा ये बड़े घर का नहीं हूँ, तो मैं आपका भी सहायता ही करने के लिए आया हूँ और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो YouTube से उतना कमाई हमारा नहीं होता है, तो मेरा छोटा चैनल है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है ए भी लग चुका है और इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो हमारा बूस्ट टूट गया है तो इसके जगह अब नया बूस्ट लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सीधा उधा करने में बूस्ट कोई कोई फॉल्ट निकल जाता है फ्रेंड, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं और इसमें नया लगा लेंगे फ्रेंड। तो कुछ इसी तरीके से लगाना है फ्रेंड। यहाँ पर मोबाइल वोबिल तो मैंने लगा लिया था, तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे लगा लिया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट कर लिया हूँ फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं, आगे इस चीज़ को कंप्लीट होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेकर आया फ्रेंड नया साफ्ट, जिसको मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। इतने सारे साफ्ट है, साफ्ट देखिए क्वालिटी कौन कौन सा देख लीजिए फ्रेंड, यही सब मिलेगा फ्रेंड। कुछ छोटा है कुछ बड़ा है फ्रेंड, तो आपका कौन सा साइज है वो साइज मुझे व्हाट्सएप में बात करें, कितना लंबी साइज है सेंटीमीटर या इस सब में, तो उस हिसाब से मैं आपको ये साफ्ट आपको भेजवा दूंगा फ्रेंड। तो देखिए हमने बहुत सारे साफ्ट लेकर आए, हमारे पास इतना अभी अवेलेबल है, बाकी इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो मार्केट से आपको लेके आपको सीधा आपके घर पहुंचा देंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इस चीज़ को ये साफ्ट मार्केट में लिए, मैंने इसको 50 रुपये लिख के रखा हूँ मैं, तो 50 रुपये आपको नहीं पड़ेगा फ्रेंड, उससे कम ही प्राइस में आपको दे दूँगा। एक पीस आपको 30 रुपये करके आपको पड़ेगी फ्रेंड, ज़्यादा लेंगे तो, नहीं तो कॉस्टली ज़्यादा महंगा हो जाएगा आपके लिए। एक पीस का मैं 50 रुपये प्लस 50 रुपये डिलीवरी चार्ज लूँगा, तो उससे आपको क्या फ़ायदा फ्रेंड, एक बार में 10 पीस ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड इस नया साफ्ट को इसमें लगाते हैं फ्रेंड। बहुत ही मस्त क्वालिटी साफ्ट है ओरिजिनल, और पाइप का यूज करेंगे और लकड़ी का यूज करेंगे नीचे में, और यहाँ पर ठोकेंगे ताकि आपका जो है बिजली निकल जाए। तो चलिए इसको निकालते हैं साफ्ट, बहुत ही हैवी साफ्ट रहती है फ्रेंड, इसको निकालना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इस तरीके से आप बिजली साफ्ट को निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हमारा जो है अब साफ्ट निकल गया है, और यहाँ पे फ्रेंड देखिए ये हमारा पुराना साफ्ट है फ्रेंड, और यहाँ पे लगाते हैं हम न्यू साफ्ट। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे साफ्ट को भी लगाएंगे फ्रेंड, और चलिए फ्रेंड इसको लगा लेते हैं। और थोड़ा सा ये हो रहा है फ्रेंड, लगाने से पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए इसकी दागी को, इस दागी को फाइल की मदद से पूरा रिमूव करना है, और जो साफ्ट का साइज है उस साइज में लेकर आने, तभी आपका जो ये रोटर लगेगी फ्रेंड। हर रोटर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट लगभग रोटर का ये प्रॉब्लम है फ्रेंड। तो इसको घिस लीजिएगा, घिसने के बाद जो है आपको ईजिली लग जाएगी, इसको बराबर कर लीजिएगा, जहाँ तक होगी वहाँ तक करना है, नहीं होगा तो फिर से खोल के करना, उसके बाद ईजिली लगाना है। ज़्यादा भी ठोक ठाक के लगाएंगे तो आपका जो साफ्ट है टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा हो जाएगा तो आपका काम नहीं करेगा फ्रेंड, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड इसको लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारा जो है लग रहा है, और देखिए फ्रेंड मैंने लगा लिया हूँ इजिली। अब इसको पंखे के साथ लगा के दिखाएंगे किस तरीके से लगाएंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड हमारे पास एक पंखा, मैंने लगभग जो चीज़ें सारे चीज़ कर चुके थे, साफ्ट का कमी था, साफ्ट मैंने कर लिया, और यहाँ साफ्ट के साथ साथ वाशर लगानी फ्रेंड। इस वाशर को उसी हिसाब से लगाना जिस हिसाब से इसमें लगी हुई थी, और आपका पंखा हम पहले से भी लगा होगा उस हिसाब से वाशर रहने देना है, कोई वाशर का चेंज नहीं करना है, उसके बाद अपना पंखा में इजिली लगा देना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और ज़्यादा ढक नहीं होना चाहिए फ्रेंड, जो कि मैं आपको दिखाते हैं लूज होने से प्रॉब्लम होगी, लेकिन उतना भी कुछ नहीं, वाशर लिमिटेड जो भी आपका रहेगा पंखा में उतना वाशर आपको लगा देनी है, उससे कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है फ्रेंड। मेन गौर चीज़ उस चीज़ को कीजिएगा जितना आपका फैन में रहेगा, बट यहाँ पर जो हमारे अनुमान के अनुसार मैं इतना लगा रहा हूँ कि इतना मुझे ज़रूरत है कि पीछे रहेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया, और यहाँ पर हमारा सारा चीज़ साइज मिल चुका है। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पे आगे भी कोई दिक्कत नहीं, घुमा के मैंने देख लिया, और आगे भी लंबाई अच्छी तरीके से मिल जा रही है, और पीछे भी
अच्छी तरीके से हो जा रही है। तो चलिए फ्रेंड इसको इजीली यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे फ्रेंड हमारा लग चुका है। तो फ्रेंड थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है फ्रेंड, जैसे कि मुझे टाइम लग रही है और मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ। और थोड़ा सा एडजस्ट बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सा बैठने में टाइम लगती है। और अपना नट के पास बैठ चुका है फ्रेंड, और यहाँ पे इसका नट बोल्ट मैं लगा दूँगा और ईजिली आप इसको सेटअप कर लेंगे फ्रेंड। तो चलिए आगे भी लग चुका है, पीछे भी लगा लेते हैं। और थोड़ा सा एक डेढ़ घंटा मुझे टाइम लग गया, ये सब चीज़ करने में एक घंटा का समय आपको लगेगा फ्रेंड, एक से डेढ़ घंटा। तो चलिए फ्रेंड इसको लगा लेते हैं। और फ्रेंड देखिए मैंने तो बहुत कोशिश किया और यहाँ पे अब लग चुका है। अब इसमें नट बोल्ट को लगाएंगे फ्रेंड, लगभग हो चुका है। और चलिए हमारा नट बोल्ट लगा रहे हैं फ्रेंड, एक ही लगा लेते हैं। और थोड़ा बहुत ठोक ठाक करना होगा फ्रेंड, जो कि आगे दिखाते हैं वीडियो में फ्रेंड, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन ठो ही नट था फ्रेंड इसका, तीन ठो मैंने लगा लिया हूँ, चार ठो रहता किसी किसी का, इसमें एक गैप है। तो चलिए यहाँ पे टाइट कर लिया हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है। और ये हमारा लगभग हो चुका है फ्रेंड। और यहाँ पे थोड़ा सा मोबिल दे देंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से फ्री हो जाए। साफ्ट में मोबिल हमने नहीं दिया था फ्रेंड, तो साफ्ट में भी दे देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे पीछे दोनों। और चलिए फ्रेंड इसको घुमा कर देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है घूमने में, तो थोड़ा बहुत पूरा फ्री हो जाएगा फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं होने वाली फ्रेंड। थोड़ा सा ठोक ठाक आपको करके करना पड़ेगा फ्रेंड, ज़बरदस्ती आपने चलाए पंखे को। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा नट को टाइट और ढीला मैं कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपको टाइट और ढीला कर सकते हैं फ्रेंड। और हमारा जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे पत्ती लगा लेते हैं फ्रेंड, और इसका जो है ढक्कन भी लगा लेते हैं ताकि हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा पूरा फ्री हो चुका है। थोड़ा सा ठोक ठाक करना पड़ेगा फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी करके देख रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड पूरा फ्री हो चुका है, पूरा का पूरा हमारा जो है फ्री हो गया है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड थोड़ा सा नट को टाइट बोल्ट और कोई नट को ढीला और लगभग एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेंड, तो मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया हूँ। और फ्रेंड हमारा जो है लगभग थोड़ा सा हो रहा फ्रेंड, टाइम आपको लगेगा कुछ इसी तरीके से जो कि मैंने रियल चीज़ को दिखाया हूँ। हो सकता है किसी किसी पंखा में जल्दी ही सॉल्व आप कर पाओगे फ्रेंड, तो थोड़ा सा ठोकना पड़ता है। और ये हमारा फ्री हो चुका है, ज़्यादा भी आप ना ठोकें, तो ये लगभग हमारा हो चुका है फ्री। और मैं आपको आगे दिखाते हैं इसको पूरी तरीके से लगा के और आपको चला के फ्रेंड। तो बहुत ही वीडियो लंबा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आ जाए प्रॉब्लम क्या थी और क्या चीज़ को लगाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। तो चलिए आप सारे चीज़ को लगा लेते हैं, पीछे में जो भी ढक्कन है इसको लगा लेते हैं और आपको पंखे को चला के दिखाते हैं।
चलिए फ्रेंड अब पंखे को लगा लेते हैं और इसका पूरा सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे पहले जो पिन थी हमारे पिन को लगा लेंगे फ्रेंड। पिन के बिना इसका जो पंखुड़ी नहीं लगेगी, पंखे जो है। तो फ्रेंड पिन में लगा लिया हूँ, लगा रहा हूँ और ये हमारा पिन लग चुका है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब इस पत्ती को लगाते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। तो बहुत ही इजी है, तो कोई भी कर लेगा फ्रेंड। तो चलिए ये हमारा लग चुका है। अभी जल्दी इसको रिपेयर और इसके साफ्ट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको उल्टा साइड से टाइट कर देते हैं फ्रेंड। अरे हमारा टाइट हो चुका है और मैं आपको अब पंखे को चला के दिखाते हैं। इसका जाली है, जाली भी लगा लेते हैं। और फ्रेंड ये हमारा जाली। चलिए फ्रेंड जाले को भी लगा लेते हैं। इस जाले को यहाँ पे ले फ्रेंड हमारा जो है अब कंप्लीट हो चुका है और इसको मैं अब आपको चला के दिखाऊंगा फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। और फ्रेंड इसको चला के आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही पंखा स्मूथली चल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत ही कड़े पेपर है इसलिए पता नहीं चलेगा आपको, फिर भी इसको टेढ़ा कर दे रही है। तो बहुत ही मस्त हवा है इस पंखे की, आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय। फिर से नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं फ्रेंड।